हेलो बच्चों, माँ शारदे स्टडी पॉइंट में सभी बच्चों का स्वागत है। हाँ तो बेटा, ये फर्स्ट ईयर इंटर वालों के लिए सेंटेंसेस चल रहा है, ठीक है। इसका लेक्चर नंबर 14 यानी 14 है। तो हम सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग सिखा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है। इसका नंबर एक टाइम क्लीज में बता चुका हूँ। आज नंबर दो है स्थान, प्लेस, यानी स्थान प्रकट करने वाले क्लूज को भेयर तथा भेयर एवर से जोड़ते हैं, ठीक है। यानी स्थान प्रकट करने वाले क्लूज को भेयर तथा भेयर एवर से जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज सेपरेट वाक्य लिखा हुआ है, आई हैड केप्ट माई वॉच समवेयर, आई फाउंड इट देयर। आई हैड केप्ट माई वॉच समवेयर, मैंने अपनी घड़ी कहीं रख दी थी। आई फाउंड इट देयर, मैंने वहीं से प्राप्त किया, ठीक है। तो हिंदी में कैसे कहेंगे इसे, मैंने अपनी घड़ी को वहीं से प्राप्त किया जहां मैंने इसे रख दिया था। तो आई फाउंड पीछे वाला वाक्य लेंगे, आई फाउंड माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को प्राप्त किया। भेयर से जोड़ेंगे, भेयर आई हैड केप्ट इट, यानी जहां मैंने इसे रख दिया था वहीं से मैंने इसे प्राप्त कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा, नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेज, नेहरू कई स्थानों पर गए। ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, उनका हर जगह स्वागत किया गया था, ठीक है। तो नेहरू जहां कहीं भी गए वहीं उनका स्वागत किया गया था। कैसे जोड़ेंगे, भेयर एवर से, ठीक है। तो यहां पर नेहरू दिया है और यहां ही, ठीक है, प्रोनाउन दिया है। तो नेहरू वाज वेलकम्ड, नेहरू वाज वेलकम्ड, ठीक है। ही की जगह पर नेहरू लिख देंगे, नेहरू के लिए आया ही, नेहरू वाज वेलकम्ड भेयर एवर, भेयर एवर जहां कहीं भी, भेयर एवर ही वेंट, यानी जहां कहीं भी वे गए। नेहरू वाज वेलकम्ड, नेहरू का स्वागत किया गया था। भेयर एवर ही वेंट, जहां कहीं भी वे गए, ठीक है। अगला तीसरा नंबर है आपका रीजन, यानी कारण, कारण का बोध कराने वाले क्लूज को बिकॉज कॉमा एज कॉमा सिंस कॉमा दैट से जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सेपरेट वाक्य है, आई कुड नॉट बाई द बुक, इट वाज कॉस्टली। आई कुड नॉट बाई द बुक, मैं किताब नहीं खरीद सका, इट वाज कॉस्टली, यह कीमती थी। किताब क्यों नहीं खरीद सका, क्योंकि ये कीमती थी। तो कंबाइंड करेंगे, आई कुड नॉट बाई द बुक बिकॉज से जोड़ेंगे, बिकॉज इट वाज कॉस्टली, क्योंकि ये कीमती थी, ठीक है बेटा। आई कुड नॉट बाई द बुक, मैं किताब नहीं खरीद सका, बिकॉज इट वॉज कॉस्टली, क्योंकि ये कीमती थी। अगला सेंटेंस दे रखा है सेपरेट में, ही इज वीक, वह कमजोर है, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। वह कमजोर है, मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो हिंदी में कैसे कहेंगे, मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वह कमजोर है, ठीक है। कार्ड क्या है, कि कार्ड ये है कि वो कमजोर है। आई शैल टीच हिम बिकॉज, ये भी बिकॉज से जोड़ देंगे, बिकॉज ही इज बीक, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीन शॉट लें और कॉपी पर नोट डाउन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।